क्या है राजन कुमार मेरा राजू रद्दी वाले सर, आप रहते कहाँ? खो मंडी में 90 परवान झांसी। सर समाज सेवी में आप कब से लगे हुए हो? समाज सेवा में मैं लगे हम 2005 से। सर आपने पहले का जीवन किस प्रकार व्यतीत किया है? सर मैंने अपना जीवन 72 में GIC में 6 में भर्ती हुए और 78 में हाई स्कूल पास करने के बाद गरीबी रेखा के नीचे होने के कारण व्यवसाय में आ गए। तो सर आपने किस प्रकार आगे की प्रक्रिया फिर आपने आगे बढ़ी? अपने जीवन में व्यापार में हमने लिफाफा बनाकर बेचे, उसी से हमने अपने जीवन में बिजनेस में तरक्की की। अच्छा, आपका मेन उद्देश्य क्या था आपका समाज सेवा में आना? क्या वजह थी आपने समाज सेवा में? समाज सेवा में मेन उद्देश्य हमारा है गरीबों की सेवा करना, समाज को उत्थान को करना, समाज में अपनी जितनी भी प्रतिक्रियाएं उनमें आगे आकर उनको बढ़ावा देना। अभी तक समाज में और ऐसे कितने लोगों जिन लोगों को आपने हेल्प की, मदद की, किसके माध्यम से, किसी भी माध्यम से मदद? ऐसा है हमारे गौरी बस पंचायत में हमारा सभागार बन रहा है, उसमें हम लोग डोनेशन देते रहते हैं। कहीं भी कोई धर्म का काम होता है उसमें डोनेशन देते रहते हैं। भंडारा है, ये विगत 36 साल से जी हम अपने मुरली मोहरा मंदिर में घास मंडी दुर्गा उत्सव मनाते चले आ रहे हैं जी। अब आपका प्लान क्या है सर, आगे की प्रक्रिया को लेकर, किस तरीके से आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं? प्रक्रिया पूर्व में हम सभासद का चुनाव लड़ चुके जी, और वर्तमान में भी सभासद का चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। आगे भी जो तैयारी है, मैं नरेंद्र मोदी के स्वच्छ अभियान के ऊपर विशेष ध्यान देता हूँ सर, और जितनी भी जगह होते हैं अपने हाथ से कहीं भी कोई गंदगी होती है उसको स्वयं करने की चेष्टा करता हूँ। सर ये सब समाज का काम करते हो, आपको क्या मिलता है ये समाज के काम करने से? समाज के काम में हमको सबसे ज्यादा अपने आप में संतुष्टि होती है। मैं किसी की हेल्पिंग कर रहा हूँ, कोई बुलाता है उसको